चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले दी अंडरटेकर और केन के लाइफ स्टोरी के बारे में, कि इन लोग का लाइफ स्टोरी क्या था, डब्ल्यू में कैसे परफॉर्म किए थे, क्या किए थे, क्यों इन लोग बिछड़े थे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, चलिए हम बात करते हैं दी अंडरटेकर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दी अंडरटेकर के बारे में। अंडरटेकर वो लेजेंडरी हैं जिनका रेसलमेनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है, जो कि 21 रहा है, जो कि 21 तक स्ट्रीक उनका बना, जो कि ब्रॉक लेसनर लास्ट टाइम रेसलमेनिया 30 में उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। अंडरटेकर से उनके भाई के नाम से जाने जाते हैं, केन। हमारे केन के साथ उन्होंने 1999 में काम किया था और बहुत बड़े रेसलर भी थे। केन एक बार वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन भी थे और दोनों के बीच ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच एक टैग टीम की बहुत बार ऐसे मैचेस हुए हैं, जो कि अंडरटेकर बहुत बार इन लोगों टैग टीम मैचेस में जीते भी थे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था 2015 में, वो ब्रे वाइट के अगेंस्ट उन्होंने मैच लड़ा था और वो मैच आसानी से जीत भी गए थे और एक बढ़िया सा मैच भी डिलीवर किया था अंडरटेकर। अंडरटेकर और केन एक बहुत बड़े रेसलर माने जाते हैं WWE के। अंडरटेकर का कहीं ना कहीं PG एरा में या फिर कोई भी एरा ले लीजिए, अंडरटेकर का बहुत बड़ा हाथ है WWE में उनको ऊपर ले जाने में। अंडरटेकर तो अभी रिटायर हुए हैं लेकिन फिर भी वो लगातार काम कर रहे हैं बैक स्टेज, और केन भी हमारे मेयर हैं, लगातार काम कर रहे हैं बैक स्टेज, कभी कभी रिटर्न भी करते हैं। लेकिन इन लोगों के बीच भी बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जिनमें अंडरटेकर जीते हैं। केन के बीच वो उनका मैनेजर भी रह चुके हैं, पॉल बियर के साथ भी अंडरटेकर भी रहे हैं, जो कि केन भी रहे हैं, दोनों साथ में बहुत बार काम किए हैं। और इन लोग का एक बहुत बड़ा ब्रदर का भाईचारा भी रहा है, दोनों साथ में काम करके बहुत सारे ऐसे मैचेस लड़े हैं, जो कि टैग टीम में रहा है, सिंगल मैचेस रहे, दोनों के बीच में मैच रहा है, जो कि बढ़िया मैच डिलीवर हमेशा करते हैं लोग। और ये चीज़ को WWE बार बार इग्नोर करती है। अगर अभी के टाइम में अगर कोई रेसलर है जो कि टैग टीम में परफॉर्म बढ़िया कर सकता है, वो तो अंडरटेकर और केन से कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है टैग टीम मैच में। लाइक हो सकते हैं हल्क होगन भी है, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं, लेकिन अंडरटेकर एक बहुत बड़ा नाम है रेसलिंग कंपनी के लिए और बहुत सारे ऐसे मैचेस दिए हैं, हिस्ट्री क्रिएट किए हैं उन्होंने। और रोमन रेंस से उन्होंने दो बार स्ट्रिक टूट गया, हारे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस बायोग्राफी में अगले वीडियो में आपसे बात करनी हो बायोग्राफी का। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।